हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। माय नेम इज गायत्री। अपलोड हियर एवरी डे होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल थ्रू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियो। जय जगन्नाथ। और आज का सुबह हो चुकी है, अभी 5:30 का टाइम है और आज दिन है मंगलवार। और मैं आज थोड़ी फिर से सो गई थी, 5 बजे नहीं उठ पाई, 5:30 को उठी। लेकिन फिर भी अभी छुटपुट अंधेरा है, लेकिन उजाला भी हो चुका है थोड़ी थोड़ी। तो अभी मैं चाय चढ़ाऊंगी, जो मेरे फर्स्ट पहले से काम होती है चाय चढ़ाऊंगी, फिर जाके चाय रख के हस्बैंड को उठाऊंगी और फिर नाश्ते की ओर बढ़ूंगी। तो फिर मैंने चाय चढ़ा दिया है यहाँ पे, और अभी मेरे बेटे को हस्बैंड उठा रहे हैं, वो सो रहा है, उसे उठा रहे हैं। उसका एग्जाम है, 6 बजे उसका स्कूल बस आएगा। तो 6 बजे सब कुछ रेडी करके उसे लेके जाना होगा। तो अभी चाय हो चुकी है, चाय पक रही हो चुकी है, शायद अभी लेके जाऊंगी मैं। और बेटे को भी उसके मतलब दूध के साथ एक टोस्ट दे दूंगी। तो अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है काम, अभी नाश्ते का वो और मैं मतलब बेटे का, और इसे लेके जा रही हूँ। और स्कूटी का चाबी नहीं मिला, रात को हस्बैंड ने कहाँ रख दिया। तो अभी हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन वो सुबह के टाइम पैदल जाना भी सही रहता है, बस टाइम होना चाहिए हाथ में। ये मॉर्निंग वॉक की तरह होता है और मैंने ये स्पीड कर दिया। ये है हमारे मोहल्ले के रास्ते, मैंने स्पीड कर दिया है। सुबह सुबह जाओ तो भी फ्रेश लगता है, मॉर्निंग वॉक की तरह हो जाती है, अच्छा लगता है। तो पहले से यहाँ पे बच्चे आके वेट कर रहे हैं, अभी बस भी आ गई और ये लोग गए, तो मैं भी अभी रिटर्न आ रही हूँ चलते हुए। और मैं आ गई और अभी हस्बैंड भी नाश्ता खा के चले गए अपने ड्यूटी के लिए। उनके लिए मैंने बनाया था आज ओट्स का चीला, और बहुत अच्छा लग रहा था वो भी। और अभी मैं झाड़ू पोछा रोज़ की तरह वो नहीं दिखाई, आज मैं बगीचे की थोड़ी वो कर रही हूँ साफ़ सफाई। बगीचे की मतलब बेलकोनी में, मैं छोटी छोटी मतलब थोड़ी सी बेलकोनी में छोटा सा बगीचा मैंने बनाया हुआ है, थोड़ी मतलब ऐसे रख के गमले वगैरह। तो उसे मैं आज कर रही हूँ थोड़ी कटिंग कर रही हूँ। और अभी उसे झाड़ू भी मैंने लगा दिया है बेलकनी को, दोनों बेलकोनी को। और अभी मैं पानी चलाया है, तो हर जगह पानी दूंगी। और मोबाइल मैंने जिस जगह पे मोबाइल रखा हुआ है तो उसमें नीचे का नहीं सूट हो रहा है, मैं अभी पानी दे रही हूँ, हर प्लांट्स में पानी दे रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे ये बेलकोनी को मैं धो दूंगी। तो मैंने आज ये घर का जो डेली होता है झाड़ू पोछा, ये नहीं दिखाया, और अभी ये आज मैं बेलकोनी का सफाई दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने वो पहले एक बार झाड़ू कर दिया था, अभी ये पानी मार के ये इसे धो रही हूँ और झाड़ू कर रही हूँ। और सारे मतलब प्लांट्स को जितने इतने कटिंग करनी थी वो भी कर दिया, और अभी पानी भी दे दिया है प्लांट्स के ऊपर। और अभी इसे साफ़ कर रहे हो बेलगनी को, इसे रोज़ साफ़ करना होता है। अगर रोज़ साफ़ करोगे तो फिर बहुत साफ़ सुथरा रहता है, ख़ुद को भी अच्छा लगता है। और ये हमारे बेडरूम के बेलकोनी है। और अभी रोज़ के मेरे पास वाइट रोज़ और रेड रोज़ के 2 प्लांट से बहुत फ्लावर्स आ रहे हैं। और एक पार्सल आया था आज, मैंने एक नेकलेस का मतलब कॉम्बो था मंगाया था। देखिए अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइंग, मुझे थोड़ा और अच्छे क्वालिटी का चाहिए थी। तो इसे अभी मैं रिटर्न करूँगी। और मैं फिर आ गई नहा धो के किचन में, और अभी वो लंच की ओर बढ़ेंगे। तो अभी दाल लई हूँ, ये चावल के लिए मैं बिठा दूंगी इसमें पानी, और दाल को भी धो के अभी प्रेशर में बिठा दूंगी कुकर में। तो अभी मैं चावल बिठा दिया गैस पे, चावल के लिए पानी, और अभी दाल निकालूंगी। अभी दाल धो के उसे भी चढ़ा दूंगी गैस में। और मेरे ना ट्राईपॉड भी आ चुका है, लेकिन उसे बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे हस्बैंड के आने के बाद, मैं सोच रही थी। लेकिन मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है, वो बोल रहा था चलो कर देते हैं अनबॉक्सिंग। तभी उतने बर्तन जमा हो चुके हैं सुबह की, मैंने नहीं वॉश किए हैं आज। और ये दाल चावल दोनों तरफ, और चावल भी हो चुका देखिए। और अभी यहाँ पे मैं वो जो ग्वार फली होती हैं उसे थोड़ा स्टीम कर दिया, और उसे अभी मैं फ्राई करूँगी तवे पे। और ये कुंदरू हैं, कुंदरू को मैं फ्राई कर रही हूँ कढ़ाई में।
और वो ग्वारफली सारे भी वो स्टीम हो चुके हैं, उसमें ऐसे धागे की तरह निकलता है ना, तो उसे अभी हाथ में निकाल के अभी देखिए इस फ्राई पैन में मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। और इसमें मैंने इंस्टेंट डाली है वही जो कॉर्नफ्लोर होते हैं, कॉर्नफ्लोर, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ी वो पिसा हुआ मसाला। और इसमें ना चावल को पीस के भी देते हैं। और देखिए ये भी तैयार हो गया, मेरा बॉस स्पीड कर दिया मैंने आज। देखिए बनाना चिप्स, और आज बनाया था ग्वारफली की, और क्या बनाया था, और दाल, चावल, बनाना चिप्स, ग्वारफली फ्राई किया था और कुंदरू फ्राई। और अभी देखिए इसका अनबॉक्सिंग हो रहा है मेरा ट्राईपॉड का, इतने दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ, आखिरकार आ ही गया ट्राईपॉड। देखते हैं इसमें अगर सही होता है तो इसमें करेंगे, नहीं तो और एक दो मंगा लेंगे छोटे साइज का, ये थोड़ा बड़ा है, और फिर छोटे साइज का भी मंगा लेंगे। अभी इसे थोड़ा ट्राई करते हैं, पहले पहली बार ये मेरी फर्स्ट ट्राईपॉड है। और देखिए ये सेट भी हो गया, इसे लगा दिया। और मेरा बेटा ज़्यादा एक्साइटेड था, उसका एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं इन सब चीज़ों से उसे दूर रख रही थी। और अभी शाम की टाइम हो गया है, उसके लिए बनाऊंगी अभी थोड़ा सा नाश्ता बनाऊंगी। वो भी अपने ट्यूशन से आ गया है रिटर्न, तो मैं थोड़ा सा वो बेटर था डोसे का, तो उसे मैं उत्तपम बनाऊंगी मेरे बेटे के लिए। सुबह के टाइम क्या हुआ ना, सुबह के टाइम वो टिफिन लेके नहीं गया, वो केक्स और बिस्किट ले गया था। तो मैं उसके लिए अभी बनाऊंगी उत्तपम। देखिए ऑनियन कट करके और गाजर, गाजर और थोड़ी सी वो मतलब थोड़ी सी धनिया दे दूंगी इसमें, और भी आप शिमला मिर्च भी जो ऐड करना चाहो करोगे। तो अभी मैं इसे उत्तपम को बना दूंगी। और इसे उसे ना ये पिज्ज़ा की तरह है, बोलने से वो मतलब वो भी खाता है, ये भी खाता है, ये सब भी खाता है, उत्तपम बोलने पर भी खाता है। पहले छोटा था तो मैं पिज्ज़ा बोलूँ तो और एक्साइटेड होके खाता था, और मुझे बोल रहा था पिज्ज़ा बनाने के लिए, बहुत दिन हो गए हैं, सोच रही हूँ वो भी एक दिन बनाऊंगी बोल के, क्योंकि वो ईस्ट डाल के, ड्राई ईस्ट डाल के 1 घंटा रखना पड़ता है, तो वो इंस्टेंट नहीं होता। तो अभी ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर